बात करते हैं ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूपों के बारे में, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये ग्रामीण आदिवासियों के प्रमुख प्रतिरूप हैं, जिनके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अधिवास के प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है। तो अधिवास का प्रतिरूप जो है वो बस्तियों की आकृति और आकारिकी के अनुसार होता है, जिसको कि मकान और उन मार्गों की स्थिति के क्रम और व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है कि मकान और उनके भी जो मार्ग बने हुए हैं, मार्गों की स्थिति किस प्रकार की है, क्या व्यवस्था है, उनके आधार पे हम ग्रामीण अधिवासों को निश्चित करते हैं। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है ये एक रेखा के रूप में है, तो इसको रेखीय प्रतिरूप दिया जाएगा। ये हमें एक वर्ग के रूप में दिख रहा है, तो इसको वर्गाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ये आयताकार प्रतिरूप है, ये जो है ये वृत्तीय प्रतिरूप होगा, क्योंकि सर्कल के जैसा दिखाई, तो जैसे उसकी आकृति दिखाई देती है उसी के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। जैसे ये अर्धवृत्ताकार है, आधे सर्कल जैसा है, ये तीर के रूप में है, ठीक है। ये अर्य प्रतिरूप है, अर्य प्रतिरूप है, ये तारा प्रतिरूप है कि तारे जैसी आकृति, ये टी आकार का है, ठीक है। तो इस प्रकार इन प्रतिरूपों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं कि आयताकार प्रतिरूप कब बनता है, कब रेखीय प्रतिरूप बनता है आदि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप की, तो समतल मैदानी भागों में, गांव में जब मार्गों के मिलने वाले चौपाल या क्रॉस पर गांव का बसना प्रारंभ होता है, तो उन गांव की गलियों गलियां मार्गों के साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में मिलती है। यानी कि जो मुख्य मार्ग होते हैं उनसे जो गांव की छोटी गलियां आकर के मिलती हैं वो आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, और गलियां समानांतर और पैरेलल मतलब परस्पर लंबवत होती हैं, कि पैरेलल होती है एक दूसरे से और वो मार्गों पर आकर के मतलब इस प्रकार से जुड़ती है तो मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, चीन का पूर्वी भाग, रूस, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया आदि में हमें आयताकार प्रतिरूप या वर्ग का प्रतिरूप जो है वो देखने में मिलते हैं। दूसरा आता है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप का निर्माण कब होता है, जब किसी सड़क, नदी, नहर या रेल मार्ग के सहारे अधिवास बसता है। इन अधिवासों में क्या होता है कि जो मकानों के द्वार होते हैं वो सड़क या नहर जिसके किनारे वो बसा हुआ है उसकी ओर खुलते हैं। इनका विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने या विभिन्न स्थानों में अलग अलग नामकरण होता है, जैसे इन्हें रिबन पैटर्न कहा जाता है, डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं, इन्हें स्ट्रिंग पैटर्न भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्रों में, या देहरादून की जो दून घाटी है, ऐसे ही अधिवास हमें चीन, जापान, बांग्लादेश आदि में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रतिरूप है सतरंजी प्रतिरूप। ये चौकोर पट्टी प्रतिरूप कहलाता है। इसमें क्या होता है कि समानांतर गलियों को अन्य समानांतर गलियां लंबवत काटती है, जिससे संपूर्ण गांव का जो आवासीय क्षेत्र होता है वो आयताकार या वर्गाकार भूखंडों में विभाजित हो जाता है। इसमें नियोजित रूप से बसाए गए गांव में प्रत्येक भूखंड के चारों ओर गलियां जो होती है स्थित होती है, जिनके किनारे किनारे पर घर जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप जो है वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप जो है, इसमें क्या होता है कि जब किसी गोलाकार आकृति जैसे कि
वो सार्वजनिक कोई भूमि, झील, तालाब की चारों ओर जब घर बस जाते हैं तो इसमें प्रवेश द्वारा द्वार जो होता है वो झील या तालाब की ओर होता है। ठीक है, इसके दो उपभेद होते हैं, एक होते हैं नाभिक के गांव और दूसरे होते हैं निहारी का गांव। ये वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि नाभिक के प्रतिरूप जो होता है या नाभिक के गांव जो होता है जिसे न्यूक्लिटिक विलेज कहते हैं, तो उसका निर्माण कब होता है? जब किसी सार्वजनिक भूमि या भवन जैसे या जमींदार और मुखिया का गांव घर या धार्मिक भवन मंदिर आदि के चारों ओर अधिवास बसता है। जबकि निहारी का गांव या नेबुलर विलेज का स्थापना कब होती है? जब किसी जलाशय के चारों ओर घर बसाए जाते हैं। इसका उदाहरण हम मछुआरों के निवास घरों के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रतिरूप है वो है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। अगर आप लोगों ने ये डायग्राम देखा हो तो ये वाला जो प्रतिरूप है ये अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप है। इसमें क्या होता है, किसी नदी, विसर्प या गोखुर झील या वृत्ताकार जलाशय के किनारे केवल एक और बसे हुए अधिवास होते हैं। जैसे कि यूपी में बहने वाली हिंडन नदी के विसर्पण किनारे पर ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप क्या होता है? जहां पर दो नदियां, नहर, यातायात मार्ग एक दूसरे से आकर मिलते हैं और मानव दोनों मार्गों या नहरों के मध्य में ही बसते हैं तथा बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। जहां कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से जाकर मिलती है परंतु उसे क्रॉस करके आगे नहीं निकलती है और गांव नहर या सड़क के एक ही ओर फैलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो प्रतिरूप है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। नेक्स्ट है तीर प्रतिरूप। अंतरीप या नदी के नुकीले सिरे पर बसी हुई ग्रामीण बस्ती जिसका अग्रभाग में मकानों की संख्या कम होती है और पृष्ठ भाग की ओर बढ़ती जाती है। जैसे भारत के कन्याकुमारी, उड़ीसा की चिल्का झील, खंभात की खाड़ी के गोदकुंडा, गोपनाथ, एमपी में सोनार नदी जो है वहां पर असलाना, तो ये जो उदाहरण है ये तीर प्रतिरूप के उदाहरण है। नेक्स्ट जो ग्रामीण प्रतिरूप है वो है अर्य त्रिज्या प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि गांव के केंद्र से विभिन्न दिशाओं की ओर मार्ग जाते हैं और गांव का मध्य भाग जो होता है वो गांठ के रूप में सघन बसा हुआ होता है और उसके बाहर अन्य मार्गों के सहारे कुछ दूरी तक घर बसाए जाते हैं। इसे तारा प्रतिरूप भी कहते हैं और गांव की आकृति पहिए की तिल्लियों के समान होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्रतिरूप है ये अर्य प्रतिरूप है। फिर जब ये सड़क के किनारे किनारे बसे हुए मकान होते हैं तो ये अर्य प्रतिरूप होता है। जब इनके बीच में ये थोड़े से और मकान बस जाते हैं तो ये तारा प्रतिरूप का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है इसमें अनियमित या अनाकार प्रतिरूप। भारत के साथ साथ विश्व के असंख्य गांव जो है जिनमें किसी निश्चित आकृति का निर्माण नहीं होता है अनियमित प्रतिरूप की श्रेणी में आते हैं। और इसमें मार्गों और गलियों की स्थिति अनियमित होती है। गांव मार्गों के निर्माण से पूर्व ही बस गए होते हैं और लोगों की सुविधा अनुसार बाद में गलियां तथा मार्ग बनने पर अनियमित प्रतिरूप का विकास होता है। एक प्रतिरूप जो है ग्रामीण अधिवास का वो है टी आकार का प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जहां किसी मुख्य सड़क में किसी एक ओर से अन्य मार्ग आकर मिलता है किंतु उसे काटता नहीं है, ऐसे तिमुहानी पर मार्ग के किनारे किनारे बरसाव से निर्मित जो अधिवास होता है उसे टी आकार का अधिवास कहते हैं। एल आकार का प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जब दो मार्गों के संगम पर किसी अवरोध के कारण दोनों मार्गों के केवल एक ही तरफ किनारे किनारे पर मकान बनाए जाते हैं तो एल प्रतिरूप का निर्माण होता है। पंखा प्रतिरूप जो है वो मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई भूमि या डेल्टाई भाग जो होते हैं वहां पर या पर्वत पद्य प्रदेशों में जो जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं वहां पर बसाई जाती है। इसके बाद आता है शू स्ट्रिंग प्रतिरूप। इसका नामकरण जो है वो फ्रेंच ट्रिवार्था के द्वारा दिया गया था और जब किसी नदी के पुल पर या
समुद्र तटीय भाग में किसी कटक पर बसे हुए जो प्रतिरूप होते हैं ग्रामीण आदिवासियों के, वो शूस्ट्रिंग कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में जापान में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में ऊपर उठी हुई जो शुष्क भूमि है वहां के आदिवासियों को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रामीण प्रतिरूप है वो है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। पर्वतीय और पठारी भागों के ढाल पर मकानों की जो पंक्तियां होती हैं वो सीढ़ी नुमा होती हैं, क्योंकि ये मकान कई स्तरों पर बसे हुए होते हैं। गांव के खेत गांव से ऊंचे या नीचे भागों में बसे होते हैं। गांव की स्थिति किसी जल स्रोत के समीप है या छोटी नदी धारा के समीप होती है। नेक्स्ट और लास्ट प्रतिरूप जो है ग्रामीण अधिवास का, वो है मधु छत्ता प्रतिरूप, यानी कि मधुना है। उसके अनुसार नगरीय अधिवास की परिभाषा अगर हम देख सॉरी तो नगरों में न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 5,000 होनी चाहिए। कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग जो है वो कृषियेतर कार्यों में संलग्न होना चाहिए, और जनसंख्या का घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। नगर जो है उनके विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। नगर एक पूर्वा से लेकर के वो महानगर तक हो सकता है, महानगर सन्नगर की श्रेणी तक। तो नगर के अगर हम विभिन्न रूप देखें विभिन्न प्रकार देखें, तो सबसे पहले मतलब सबसे छोटा रूप जो है वो अनुमार्ग बस्ती के रूप में है, यानी कि सड़क के किनारे एक दो दुकानें या गाड़ियों को तेल जल खान पान की जो सामग्री प्रदान करने वाली ये दुकानें होती है। फिर नगरीय पूर्व आता है जिसे हैमलेट बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि 20 से लेके 150 लोग तक रहते हैं। सामान्य उपभोग की वस्तुएं की दुकानें और अन्य बस्तियां इसमें शामिल होती हैं। फिर नगरीय गांव आता है। ग्रामीण नगर जो होता है यहाँ 150 से 500 लोग रहते हैं, इसे ग्रामीण नगरीय केंद्र भी कहा जाता है। कस्बा यह वास्तविक नगरीय अधिवास की सबसे लघु इकाई है। यहाँ पर 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास शामिल होते हैं। यहाँ कोई प्रशासनिक संस्था हो या कार्यशील जनसंख्या का 75% क्षेत्र जो है वो कृषियेतर कार्यों में लगा हुआ। जैसा कि भारत की जनगणना के अनुसार जो नगरों की परिभाषा दी गई है उसमें हमने देखा कि नगर में 5,000 से अधिक लोग होने चाहिए, और जनसंख्या का 75% से अधिक भाग जो है वो कृषियेतर कार्यों में यानी कि कृषि के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न होना चाहिए। फिर आता है शहर यानी सिटी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ पर मिलती है, और नगरीय जीवन पद्धति जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से विकसित अवस्था में देखने को मिलती है। फिर महानगर आते हैं। महानगर यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यहाँ पर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे कि कोलकाता न्यूयॉर्क टोक्यो लंदन मुंबई दिल्ली चेन्नई आदि जो नगर हैं बड़े वो महानगरों की श्रेणी में आते हैं। महानगर के बाद आता है सन्नगर जिसे कॉन्र्बेशन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है सतत नगरीकरण, यानी कि नगर का लगातार विकास होना। इसे नगरीय समूह या नगरीय पुंज भी कहते हैं, और जब फैलते हुए कई कस्बे नगर आदि आपस में परस्पर मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, जैसे कि कोलकाता सन्नगर बृहत्तर मुंबई टोक्यो याकोहामा सेंट पॉल मिनियापोलिस यूएसए में बृहत्तर लंदन, ये सब जो है ये सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है नगरों का रूप वो है मेगालोपोलिस। अत्यधिक विस्तृत नगरीय क्षेत्र जिनकी जनसंख्या जो है वो लगभग 50 लाख से अधिक होती है। जीन गॉटमैन ने 1957 में मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग यूएसए के पूर्वी तट पर बोस्टन से लेकर के वॉशिंगटन तक 1,000 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत क्षेत्र के लिए किया था। और उदाहरण हम इसके देख सकते हैं टोक्यो लंदन न्यूयॉर्क पेरिस आदि के रूप में। अब हम बात करते हैं नगरीय अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में। प्रतिरूप जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग उसी प्रकार के हैं जैसे कि गांव में होते हैं। ये जो रेखीय प्रतिरूप, ये तारा प्रतिरूप, ये वृत्ताकार या संकेंद्रित प्रतिरूप, ये आयताकार शतरंजी प्रतिरूप, ये वृत्ताकार, ये अर्ध वृत्ताकार, ये अर्य या त्रिज्या, ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप।
तो प्रतिरूप देखने में बिल्कुल नगरीय अधिक ग्रामीण प्रतिरूपों के समान ही दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं नगरीय अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में। तो अधनगरीय प्रतिरूप जो होते हैं, इनका निर्माण जो है वो नगरों की सड़कों, नगर के अंदर आने जाने और आने वाले और बाहर जाने वाले जो मुख्य मार्ग होते हैं, नगर की इमारतों, घरों की पारस्परिक स्थिति, उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार नगरीय प्रतिरूपों का निर्माण किया जाता है। तो प्रमुख जो नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आयताकार प्रतिरूप। इसे शतरंजी प्रतिरूप, चेकरबोर्ड प्रतिरूप भी कहते हैं। नगर के भीतर विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले मार्ग एक दूसरे के समानांतर और समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। छोटे छोटे आयताकार बस्तियों की आकृति जो है वो चौकपट्टी जैसी होती है। यह प्रतिरूप समतल मैदानी भागों में मुख्य सड़क से मिलता है और वर्तमान समय में नियोजित नगर आयताकार प्रतिरूप पर ही बसाए जाते हैं। इसे ग्रिड प्रतिरूप की संज्ञा भी दी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम चंडीगढ़ का देख सकते हैं। मध्य और प्राचीन काल में लुटेरों और आतंकवादियों, आतंकियों, बाहरी आक्रमणों और जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु नगर के चारों ओर आयताकार चार दीवारी भी बनाई जाती थी, जैसे कि हमें यूनान और रोम के नगरों, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में देखने को मिलते हैं। शिकागो नया बसा हुआ नगर है, लेकिन यूनान और रोम के नगर जो है वो प्राचीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो प्रतिरूप है नगरीय वो है वृत्ताकार या परिबद्ध प्रतिरूप। जब भी किसी जलाशय या केंद्रीय भूमि के चारों ओर विभिन्न सड़कों के किनारे किनारे घर बनाए जाते हैं तो नगर की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। मध्यवर्ती भाग में कोई किला, मंदिर, शासक का निवास स्थान आदि महत्वपूर्ण स्थल हो सकते हैं। मध्य युग में शासन व्यवस्था की और बाहरी आक्रमणों से बचने हेतु एशिया यूरोप के अधिकांश नगरों के चारों ओर वृत्ताकार चार दीवारी का निर्माण करने का परंपरा थी। और जैसे कि हम भारत के जो पुराने किले के नगर हैं, जैसे कि आगरा, उदयपुर, औरंगाबाद, जौनपुर, बीजापुर आदि को देख सकते हैं, एशिया के पेकिंग, नानकिंग, समरकंद, बुखारा, तेहरान, बगदाद, लाहौर में भी वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। फिर आता है अर्य या त्रिज्या प्रतिरूप। नगर का मध्यवर्ती भाग जो होता है इसमें वो गांठ के रूप में सघन बसा हुआ और मध्य में चौक होता है जहां से विभिन्न दिशाओं की और मार्ग या गलियां निकलती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, इन मार्गों के सहारे सहारे बस्तियां जो है वो बाहर की और दूर तक फैलती जाती हैं। जैसे यूपी के मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, भोपाल, उदयपुर, इंदौर, मॉस्को, बर्लिन, पेरिस, पीटर्सबर्ग आदि नगरों के प्रतिरूप को देख करके हमें पता चलता है। फिर है तारा प्रतिरूप। जब किसी त्रिज्या प्रतिरूप के नगर का विकास अधिक हो जाता है और विभिन्न मार्गों के मध्य स्थित विस्तृत धरातल क्षेत्र पर बस्तियों का विकास होने लगता है तो त्रिज्या प्रतिरूप जो है वही बदलकर तारा प्रतिरूप बन जाता है। नेक्स्ट प्रतिरूप है नगरीय, वो है रेखीय प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, प्रमुख सड़क के दोनों किनारों पर या नगर किनारे, नहर के किनारे अधिवास बसने पर लोग सड़क मार्ग से दूर जाकर बसना नहीं चाहते हैं और ये नगर लघु आकार के होते हैं और ग्रामीण अधिवासों से धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हुए होते हैं, जैसे कि यूपी का मोदी नगर, सिंभावली नगर आदि। इस डायग्राम में हमें वो सारे प्रतिरूप देखने को मिल रहे हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है तटीय प्रतिरूप, तटीय पंखा प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, समुद्री तट के किनारे बसे हुए नगरों का जब अधिक विकास होता है तब उसका प्रसार पृष्ठ प्रदेश की ओर तट के सहारे भी होता है। पृष्ठ प्रदेश की ओर भी होता है और तट के सहारे भी होता है। एक और पृष्ठ प्रदेश में फैली बस्तियां पंखा के समान दिखाई देती है, जैसे कि चेन्नई में देखने को मिलता है। फिर आता है मिश्रित प्रतिरूप। आधुनिक काल में अधिकांश नगर जो है वो मिश्रित प्रतिरूप पर बसे हुए हैं और इसमें क्या होता है, नगर का विकास तो प्राचीन काल में दूसरे प्रतिरूप पर हुआ होता है और बाद में उसके अलग अलग भागों में नई बस्तियां धरातल सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रतिरूप पर बसती जाती है, जिससे कि मिश्रित प्रतिरूप में नगर के विभिन्न भागों में, जैसे कहीं पर विभिन्न भागों में विभिन्न प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो नगर के एक भाग में वर्ग का प्रतिरूप है, दूसरे में वृत्ताकार, अर्य, आयताकार आदि प्रतिरूप जो है वो हमें देखने को मिलते हैं।
फिर आता है खाड़ी पत्तन प्रतिरूप। खाड़ी पत्तन प्रतिरूप जो है ये हमें मुंबई का पोर्ट महानगर बढ़ते बढ़ते उसका पतन अपने पृष्ठ प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र से मिलता जा रहा है। ये मेगालोपोलिस खाड़ी पत्तन प्रतिरूप में बदल गया है। खुला हाथ प्रतिरूप, इसमें क्या होता है, समुद्र तट के पास नदियों द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है वहां पर विकसित नगर आते हैं इसमें, और खुले हाथ की उंगलियों के आकार में वो लोग वो प्रतिरूप बने हुए बसे हुए होते हैं। तटीय भाग कई भागों में कट जाता है तथा बीच बीच में स्थल का छोटा भाग लंबाकार आकृति में बस जाता है। समुद्र के अंदर तटीय क्षेत्र में विभिन्न पदार्थों के जमाव से लंबाकार आकृति की छोटी छोटी टोकरियां विकसित हो जाती है जिस पर नगरीय बस्तियों का विकास होता है, जैसे कि जापान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट नगरीय प्रतिरूप है मकड़ी जाल प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि जब किसी नगर का विकास अर्य या वृत्ताकार दोनों प्रतिरूप के सम्मिलित होने से होता है तो उसका मकड़ी जाल जैसा आकार बन जाता है। इसमें केंद्र में सर्वाधिक महत्व के कार्य और महत्व की इमारतें होती हैं, जब जैसे कि राजभवन, चर्च, मंदिर आदि, और बाहर की और अन्य प्रतिरूप पर नगरी बस्तियां जो होती बसी होती हैं, जैसे कि हमें पेरिस, बर्लिन, वॉर्सा, रोम, शिकागो, सेंट लुइस आदि में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमारा ये जो ग्रामीण और नगरीय प्रतिरूप प्रकार और प्रतिरूप वाला ग्रामीण और नगरीय अधिवास वाला जो टॉपिक है ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।